अच्छा बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब तो ये व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं और ये कोई इधर उधर की बात अब नहीं रह गई है, ये ए लिस्टर्स की टॉप एक्ट्रेस तक के मामला पहुंच रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप महिमा बख्शी? जी बिल्कुल, मैं खुद कहना चाहूंगी कि मैं दीपिका पादुकोण की एक बहुत बड़ी फैन थी और मैं ये समझती हूँ कि जब बॉलीवुड में कोई सेलिब्रिटी एक बहुत बड़े स्टेटस पे पहुंच जाता है तो वो एक जिम्मेदारी के साथ उस स्टेटस पे पहुंचता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, वो यूथ को किस चीज के लिए इंस्पायर कर रहा है, और इस तरह की चीज अगर व्हाट्सएप पे एविडेंस के साथ प्रूफ के साथ आ रही है, ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि बहुत से लोग उसको एक अपना रोल मॉडल मानते हैं, मैं खुद उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी, तो वो किस तरह का इन्फ्लुएंस यूथ के ऊपर छोड़ता है उस चीज में नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, और कोई भी चीज अगर ड्रग्स को सपोर्ट करती है तो वो 100% एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस माना जाता है जो कि बिल्कुल भी हमारी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। पर मैं ये भी मानती हूँ कि पूरी इंडस्ट्री को जेनरलाइज करना कि सारे ही लोग उस इंडस्ट्री के ऐसे हैं, शायद वो बाकी लोगों ये वाली दलील देकर कब तक भागते रहिएगा महिमा बख्शी, ये वाली दलील देकर कब तक भागते रहिएगा? कौन कह रहा है कि पूरे बॉलीवुड में हर कोई ड्रग्स ले रहा है, ये कौन कह रहा है? हम लोग तो दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट आया है बस इतना ही बता रहे हैं, ड्रग्स के मामले में फंस रही है, एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है, यही कह रहे हैं हम तो दीपिका पादुकोण के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी ये साबित होता है। आप कौन सा ये तो बेकार की दलील है ना, ड्रग्स लेने के आरोप पर दिया मिर्जा की इस बीच सफाई आई है। आपको बताते दिया मिर्जा का भी नाम सामने आ रहा था जिसके बाद अब उनकी सफाई आई है, उन्होंने कहा है मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही थी, अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं, आज की पूछताछ लगातार खत्म हुई और जया शाह ही वो एपी सेंटर बताई जाती है जिन्होंने कई लोगों तक ड्रग्स को मुहैया कराया। जल्दी से अरविंद, क्या कुछ बड़ी बातें तीन आज निकल के आई है, जल्दी से। जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि जया साहब के सामने वो व्हाट्सएप चैट रखा गया है, कन्फ्रंट किया गया है, जिसमें कुछ जो व्हाट्सएप चैट है वो स्वीकार किया कि वो उन्हीं के हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो जया शाह है और कंपनी के सीईओ ध्रुव, उनसे पूछताछ हुई है, दोनों को आज जाने दिया गया है, लेकिन कल जया शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 बजे बुलाया है, जबकि जो सीईओ है ध्रुव उनको 2 बजे बुलाया गया है, जबकि मधु मांटीना वर्मा जो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं और जो ये कंपनी है इससे जुड़े हुए हैं उनको 11 बजे बुलाया गया है। टाइमिंग अलग अलग है, इसका मतलब यह है कि पहले मधु मांटीना से जो कल से पहली बार पूछताछ होगी, कल पूछताछ होगी, उसके बाद इन्हीं तीनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है, दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से, जो क्वान कंपनी की मैनेजर है, उनसे बात कर रही थी, उन्होंने आज अपने वकील के जरिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मैसेज भिजवाया है कि शी इज नॉट वेल, वो बीमार है अभी, वो 25 सितंबर को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, जी बिल्कुल। अब जल्दी से चलते हैं, मंजिंदर सिंह सिस्सा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिस्सा साहब, आपने तो कई लोगों के एलिस्टर्स के वो वीडियो दिखाई है जो करण जौहर का वीडियो था बर्थडे का, जिसको इन्होंने अब तो अब ये बोला, बोल आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं महिमा बख्शी, वो कह रही हैं आप लोग बदनाम कर रहे हैं पूरे बॉलीवुड को, बिना प्रूफ के तमाम एक्टर्स का नाम ले रहे हैं, और ये दिया मिर्जा भी कह रही है मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, क्या बोलिएगा सिरसा साहब? अंजना जी, नहीं मैं देखिए पहले तो दिया मिर्जा कह रही है उन्होंने ड्रग नहीं लिया तो हम डाउट नहीं करते, उनकी बात उन्होंने कही है, अच्छी बात है, पर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, रिया चक्रवर्ती भी यही कह रही थी एक बात, मैं दिया मिर्जा जी की इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, वो अपनी बात उन्होंने कही है, लोगों को माननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आगे इन्वेस्टिगेट करेगी एजेंसी, हमारा काम नहीं है। लेकिन साथ में ही पहले तो दीपिका पादुकोण, जिसको वीडियो में भी मैंने आपके पास वीडियो आप चला ही रहे हैं, अभी तक उसकी तो सफाई आई नहीं, ना ही वो दे पाएगी, और मैं आपको यह भी बता देता हूँ करण जौहर भी सफाई नहीं दे पाएगा। मैं अगर आपको अंजना जी एक ट्वीट अगर मैं आपको एक याद कराना चाहता हूँ, मिलन देवरा जो हैं वहाँ से सांसद रहे हैं उनके, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मनजिंदर सिंह सिरसा इस पे गलती मांगेंगे, अपनी माफ़ी मांगेंगे और वो अपना हृदय दिखाएंगे माफ़ी मांगने के लिए, ये वीडियो जो उन्होंने डाली है इसके अंदर कोई ड्रग्स नहीं है, और मेरी उनकी फैमिली से भी उन्होंने कहा कि वहाँ से वो लोग मौजूद थे। पहले तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो इतने दिन से छुप के कहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी जल्दी ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया था, अब इतने दिन से मैं भी पूछ रहा हूँ वो तो जवाब नहीं दे रहे, भाग गए हैं। करण जौहर कहता था कि अगर मेरे पे दोबारा किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं कोर्ट में केस डालूंगा, तो मैं करण जौहर से पूछना चाहता हूँ भाई अब तुम छुपके क्यों बैठे हो, अरे जुए की तरह बिल में क्यों घस गए हो। और अंत में
जो सिलेक्टिव प्रदर्शन किया करते थे, कहीं जेएनयू पहुंचता था तो कोई कहता था मोमबत्ती जलाता था, आजकल मोमबत्ती वालों की वो कैंडल मार्च वालों की मोमबत्तियां भी जली पड़ी, आधी घर पे पड़ी होंगी, वो तो लेकर नहीं निकले बाहर कि देखिए इतने बड़े स्टार्स ने इतना बॉलीवुड को बदनाम कर दिया, इन गंदी मछलियों को हम बाहर निकालेंगे। एक स्टेटमेंट भी बॉलीवुड के अंदर से अभी तक नहीं आई कि हाँ चलो और नहीं कहीं, यही कहीं कि जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। कम से कम कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई ए कैटेगरी का स्टार, कोई एक्ट्रेस कम से कम इतनी बात ही कह देता। आज देश के लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब एक ही हैं, एक गैंग है जो ड्रग्स का गैंग है, उसके अंदर वो लोग सभी उसके वही मिलने वाले हैं और वही वो काम करते हैं और वही ये पार्टियां करते हैं और इसीलिए वही एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी नहीं है। जैसे अभी मेरे से पहले पात्रा जी ने कहा कि भाई एक दूसरे की हम तू मेरी बात कर मैं तेरी बात करूं। दिया एक बात बता दें, बस छोटी सी आपसे कहना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती के लिए जिन लोगों ने ट्वीट किए थे वो आज लोग छुप क्यों गए हैं? वो कश्यप साहब कहां छुप गए हैं, अनुराग जी, वो सारा भास्कर जी कहां भाग गए हैं और बाकी मैं नाम चलो क्या लेने हैं, आपको सबके पता है, वो आज कहां भाग गए हैं।